तो यहाँ पर देखिए अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक्सरसाइज पे मैं चल रहा हूँ। 6x² + 7x - 10 = 0 और इसका विवेचक पूछा है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। और सभी बच्चों को क्वेश्चन शुरू से ही पकड़ के रखने हैं, बीच में बिल्कुल भी लूज छोड़े हुए, तो बीच में क्वेश्चन एक बार बेटा ट्रिक्स निकल जाएंगी, फिर बीच में चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो शुरू में क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं, तो जब अपने शुरू में 10-20 क्वेश्चन आते हैं इजी, तभी अपने को चैप्टर पकड़ लेना है, क्योंकि बाद में फिर जब हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फिर समझने में आती है प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, आज बेटा आईआईटी का रिजल्ट भी आया है, जेईई मेन का, अपने काफी स्टूडेंट्स की रैंक काफी बढ़िया आई है, और एनटीएससी एसटीएससी का भी रिजल्ट आया है, तो उसमें भी अपने काफी सिलेक्शन है। तो इन सब के लिए सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि आप रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहें, केवल 11th 12th ही अपना टारगेट नहीं है, आगे चल के कॉम्पिटिशन भी अपने को देने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस की पूरी अपन भूमिका बनाएं। क्लियर बेटा? ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं विवेचक यानी विव्यक्तिकर। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें से ए बी सी निकालते हैं, और विवेचक डी का फॉर्मूला b² - 4ac होता है, ये तो सभी जानते ही हो। बी का मान कितना है? 7 का स्क्वायर, 4a 6 है, और c आपका -10 है। क्लियर? तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, दाई 240 हो गए। तो 240 और ये 49, ये अपने हो गए 289, और ये अपना 289 पहला ही ऑप्शन आ रहा है। कौन सा? √3x² + √2x - √3 = 0। तो ये अपने को दे रखा है, इसमें a का मान हो जाएगा √3, b का मान हो जाएगा √2, और c का मान स्टूडेंट -k √3 हो जाएगा, और इसका पूछा है विवेचक। तो विवेचक कैसे निकालेंगे बताओ सभी बच्चे, विवेचक कैसे निकालोगे? विवेचक किसको कहते हैं बेटा? विवेचक कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, यानी डी को, ठीक है ना। और ये सभी बच्चे बीच में वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएं, जब तक वीडियो लास्ट तक चले तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्वेश्चंस को आगे के निकालो। इसमें क्या है देखिए, विवेचक यानी डी पूछा है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, बी कितना है 2√2² चल रहा है, 4, ए की जगह √3 और सी -2√3, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 × 8 √3 और √3 का 3, 4 × 8 और 8 × 3 = 24, 24 और 8 हो गया 32, x² - 5x - 7 = 0। अब इसके मूल पूछे हैं कि कौन से होंगे, वो एक ऑप्शन तो दे रहा है कि वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान। तो वास्तविक समान तो बेटा तब होते हैं जब डी 0 आता है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान तब आते हैं जब डी 0 से बड़ा आता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मूल काल्पनिक और असमान होंगे, तो काल्पनिक असमान तब आते हैं जब डी 0 से कम आता है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं, तो देखते हैं इन तीनों में से कौन सा आएगा। तो ये जो तीन चीज मैंने लिखी है बेटा, इनको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मूलों की प्रकृति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लेखराज कौन है बेटा? ये एल के कुमावत, ठीक है। तो ये है मूलों की प्रकृति। अब देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है।
तो ए इक्वल 1, बी इक्वल -5, सी इक्वल -7, एबीसी आ गए। एबीसी आने के बाद आप डी निकाल लोगे जो कि बी स्क्वायर -4ac होगा। तो बी कितना है, -5 का स्क्वायर, 4a1 है, सी -7 है। तो -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस के 28, और आप देख रहे हो प्लस के 53 आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, और समान, तो वास्तविक समान तो तब होगा जब डी जीरो आएगा, ठीक है। और दूसरा है वास्तविक और असमान, तो वास्तविक असमान कब होगा, जब डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी जीरो से बड़ा। और तीसरा विकल्प है काल्पनिक असमान, वो कब होगा, जब डी लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आएगा। तो देखते हैं अब इसमें क्या आएगा, वो तो सॉल्व करने से ही आइडिया लगेगा। ए का मान 3 हो गया, बी का मान 6 हो गया, सी का मान 5 हो गया। तो ये बेटा क्या हो गए, ए बी सी। डी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 6 का वर्ग 36, 4 इंटू 3 इंटू सी 5, 36 माइनस 4 या 12 पंजे 60, और 36 में से 60 घटा रहे हैं तो आप देख रहे हो माइनस के 24 आ रहे हैं। तो ये जो माइनस 24 आ रहा बेटा कैसा है, डी जीरो से छोटा है। तो इस बार कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, काल्पनिक और असमान। नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, और इसके ऑप्शन बेटा दे रखते हैं कौन कौन से। पहला ऑप्शन दे रखा है कि मूल वास्तविक है, दूसरा ऑप्शन है कि मूल काल्पनिक है, काल्पनिक। तीसरा ऑप्शन है कि मूल वास्तविक और समान है, और चौथा है कि वास्तविक और असमान है। अब देखो कैसे कैसे अपने को बताना है। काल्पनिक तो आपको पता ही है, काल्पनिक कब होगा, जब डी नेगेटिव आए, और वास्तविक और समान कब होगा, जब डी जीरो आए, और वास्तविक और असमान कब होगा, जब डी धनात्मक आए, और वास्तविक कब होता है, जब डी जीरो भी आए और धनात्मक भी आए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले ए का मान कितना है, 1, बी का मान पी, और सी का मान माइनस क्यू स्क्वायर। आप यहां डी निकाल रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी कितना है, पी 4, ए का मान 1, सी माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4q स्क्वायर। आप जैसा कि देख रहे हैं पी और क्यू पे स्क्वायर लगी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति या पी क्यू का कुछ भी मान रखे, जीरो आने की कोई संभावना नहीं है, यानी ये हमेशा जीरो से बड़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति पूछी है। तो वही आपने को ए का मान कितना है 1, बी का स्मॉल ए, सी माइनस 1। अब आप देख रहे हो कि यहां पर स्मॉल ए क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने कैपिटल ए का यूज किया है, और विवेचक डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी कितना है, ए स्क्वायर 4, एक 1, सी माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और अब आप देख सकते हो ए पर स्क्वायर लग रही है, और 4 तो धनात्मक है ही, यानी इसका मान 0 कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप ए का कुछ भी मान रखो, तो इसका मान सदैव जीरो से बड़ा ही आएगा, और बड़ा आएगा तो इस बार भी मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, यानी इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी बेटा, वास्तविक और असमान। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आ रही, निम्न में से किस प्रकार के होंगे, इसमें भी वही मूलों की प्रकृति पूछी है। तो मूलों की प्रकृति पूछी हो तो पहला काम क्या है, पहले तो एबीसी निकालो, क्या निकालो बेटा, एबीसी, और फिर डी निकालो जिसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलो अब ये वैल्यू रख दो, इसमें बी कितना है, के स्क्वायर चल रहा है, 4 ए का मान, के स्क्वायर, सी का मान 1, तो के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटेगा तो माइनस के 3 के स्क्वायर आएंगे, और डी क्योंकि माइनस में आया है, तो मैंने बताया था डी माइनस में आए तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाती है बेटा,
काल्पनिक और असमान हो जाती है। काल्पनिक और असमान, बिल्कुल क्लियर है ना? क्वेश्चन ध्यान से, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस चार बराबर जीरो के मूल समान हैं, तो के का मान ज्ञात करना है। के का मान बेटा ज्ञात करना है, के का, है ना, के का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं सभी बच्चे के का मान कैसे आएगा, है ना। देखो सबसे पहला काम तो वही है एबीसी छांटने का, तो ये अपन ने एबीसी निकाल ली है। मूल समान, यहां देखो मूल समान में आप जानते हो डी जीरो होता है, डी जीरो, और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है। बी कितना है बेटा, के, ऊपर स्क्वायर चल रही है, चार इंटू ए का मान कितना है एक, और सी का मान चार बराबर में जीरो, तो के स्क्वायर माइनस चार चौके सोलह बराबर में जीरो, और सोलह उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, और सोलह का वर्गमूल प्लस माइनस चार हो जाएगा। तो इस तरीके स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब ये कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक और असमान हो, वास्तविक और असमान, तो इसमें के का मान बताना है, के का। अब दिमाग लगा लेना के का मान कैसे आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा सबसे ज्यादा आसान वो रहते हैं जिसमें मूल समान हो, क्योंकि मूल समान में क्या है डी जीरो होता है, तो डी जीरो में क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन अगर मूल वास्तविक और काल्पनिक दे रखे हो और असमान, तो वहां पर डी फिर असमिका में आता है, लेस देन या ग्रेटर देन में, तब आंसर निकालने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग होता है। तो संख्या रेखा का सवाल कैसे हल होगा वो देखना। यहां पहले हम एबीसी छांटते हैं, क्या छांटते हैं एबीसी, ठीक है, और मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान। अब यहां देखो आप इन तीनों में, वास्तविक और असमान में मैंने बताया था डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो यानी डी जीरो से बड़ा है, और डी का मान ले आओ वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कितना है बेटा, दो, दो का स्क्वायर चार, चार गुणा ए का मान के, सी का मान एक, चार का भाग लगा देंगे वन माइनस के ग्रेटर देन जीरो, ये वन उतर जाएगा माइनस का, और माइनस हटाते ही असमिका उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर देन की जगह लेस देन, तो के का मान आया लेस देन वन। एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो का मूल समान है, मूल कैसा है समान, तो मान के का बताना है, किसका बताना है बेटा के का, ठीक है, हाँ के का मान बताना है। देखते हैं सभी सामने, देखो मैंने आपको बताया था मूल समान का क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, इसमें डी जीरो होती है। अब इसमें ऊपर से एबीसी छांट लो, ए तीन, बी के हो गया, सी आपका तीन हो गया, और डी का सूत्र क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी कितना है के स्क्वायर चल रहा है, चार गुणा ए का मान तीन, सी का मान तीन बराबर जीरो, तो चार तिया बारह, बारह तिया छत्तीस बराबर जीरो, और छत्तीस उधर जाएगा किसका प्लस का, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, और छत्तीस का वर्गमूल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ये कह रहा है इसका मूल वास्तविक और समान है, इसका भी मूल कैसा दे रखा है वास्तविक और समान, तो इसमें मान ज्ञात करना है के का, किसका ज्ञात करना है के का, देखना के का मान कैसे आएगा। अब इसमें एबीसी छांट लेंगे, ए का मान के, बी चार और सी एक, और मूल वास्तविक और समान में डी आप जानते हो जीरो होता है। ये देख लो, किसी बच्चे को आइडिया नहीं हो तो इसको पढ़ लो, ये तीन पॉइंट है बस, इन्हीं में सारे क्वेश्चन है। डी का मान क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, बी कितना है चार, चार का स्क्वायर सोलह, चार गुणा ए की जगह के इंटू सी वन हो गया आपका, और सिक्सटीन माइनस फोर के इक्वल जीरो, माइनस फोर के इक्वल माइनस सिक्सटीन,
माइनस कैंसिल, फोर से ये कितनी बार कटेगा, फोर बार। तो के का मान वैल्यू क्या है देखिए, 2x² - kx + 1 = 0। अब ये कह रहा है कि मूल जो है वो वास्तविक और समान है, और मूल वास्तविक और समान होने पर k का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है कि पहले अपने को एबीसी छांटना है। क्या छांटना है बेटा? एबीसी। और मूल वास्तविक समान में मैंने बताया था डी जीरो होती है और डी का मान b² - 4ac होता है। ये मान इसमें डाल दो, बी का कितना है, -k² - 4a² मानते हैं कि 2√2 होता है, क्योंकि इसको जिसमें कि 9x² - 24x + k = 0 के मूल समान है, मूल दे रखे हैं समान। देखिए फिर से मूल समान होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि b² - 4ac का मान 0 निकालना होता है। अब यहाँ a का मान कितना है, 9, b - 24 और c का मान k। चलो डाल दो इसमें, -24² - 4 × a की जगह 9, c k = 0। ठीक है ना, माइनस ये 24 का वर्ग हो गया कितना, 576, और 9 × 4 = 36 हो गए, 576 उधर जाएगा माइनस का, भाई वर्ग में ये माइनस हट गई थी लेकिन उधर जाएगा दोबारा माइनस का। अब आप इसको काट दो, किससे काटोगे, आप 18 से भी काट सकते, 18 × 36, 18 × 3 = 54 बची 3, 18 × 36, 2 से ये देखो बच्चों का आंसर गलत हो गया। एक बार चलिए मैं ट्राई करके देखता हूं, ए आपका 2k, b - 40, c 25, मूल समान है तो आप जानते हो d 0, b² - 4ac 0। रख दे मान, 40 का वर्ग 1600, 4 × 1 = 2k, c 25 = 0, 25 × 50 = 200, के 1600 उधर गए माइनस के, और 2 × 8 = 16, के 8 आ गया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने होता योगफल होता -b/a। अब गुणनफल बता दो जल्दी, गुणनफल, गुणनफल देखो कई बच्चों ने बताया है c/a, बढ़िया c/a। अब इसमें ए बी सी पहले छांट लो, ये 3, बी एक्स का जो गुणांक है बेटा वो b होता है, और पीछे जो चल रहा है वो आपका c है, ये भी c है। अब यहाँ a से a कैंसिल हो रहा है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है बेटा यहाँ पर -k 2k + 1, और c की वैल्यू ये रही -k - 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2k + 1 = -k - 5, k इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और एक उधर जाएगा तो माइनस का, 2k और k 3k = -k 6, 3 × 6, तो k का मान हो गया -k 2। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब यहां देखो ये कह रहा क्या चाह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल अल्फा बीटा है, तो इसका मान निकालना। पहले तो आप इसमें से बेटा ए बी सी निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो इसमें बेटा आप पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे जो कि -b/a होता है, मूलों का योगफल। तो माइनस बी कितना है, -6, और ए 1, तो माइनस माइनस प्लस 6, और अल्फा बीटा होता है c/a, सी 2 है और ए 1 है, तो ये 2 हो गया। अब कहीं भी अगर मैं आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछूं तो आपको 6 बोलना है, और अल्फा बीटा पूछूं तो 2 बोलना है। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन में छोटी घात को ही कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हो जाएगा α³β³। तो यहाँ 4 घात थी, 3 चली गई, अल्फा बचेगा, यहाँ बचेगा बीटा। अब अल्फा बीटा का क्या मान है बेटा, 2, लेकिन 2 का क्यूब भी होगा, यहाँ पर क्यूब भी है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 6, तो 2 का क्यूब 8 ×
छह कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या है कि 2x+1 मूल अल्फा बराबर दिया है 2, तो दूसरा मूल बीटा पूछा है। देखो बेटा, एक मूल अल्फा दे रखा है, 2 बीटा पूछा है, इसका ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो मूल होता है इसको एक्स का मान कहते हैं। आप जानते हो मूल है क्या चीज, किसी समीकरण में जो एक्स का मान होता है उसी को तो मूल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मूल को एक्स की जगह रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को आप इसमें रख सकते हो। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि आप जब इस 2 को इसमें रखोगे बेटा, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, तो 2 को रखोगे x की जगह, तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 2 का गुणा p में 2p+4। यहां आप देख सकते हो 8 और 4 12, 12 उधर गया माइनस का, और 2 छिक 12, p माइनस 6 हो रहा है आपका। p कितना हो रहा बेटा, माइनस 6। अब आप ये देखो कि मूलों का योगफल का मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया था, मूलों के योग का मैंने क्या बताया था, -b/a। तो मूलों का योग, मूलों के योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी, बी कितना है यहाँ, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा कितना है बेटा, अल्फा एरा 2, और प्लस बीटा पूछा है, पी एरा -6 बटे में, और ये -1 पहले से लगी है, और पी भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 6 गया 3 बार, और ये 2 उधर जाएगा माइनस का, तो बीटा बराबर 3 - 2 आपका 1। ए को मान ज्ञात करना है, 1/α + 1/β - 2α β। तो सभी ध्यान से देखना। हाँ शाबाश, हाँ तो देखो बेटा सभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है ना, दिमाग लगाना है। इधर देखो बेटा, सबसे पहले एबीसी छांट लो, ए 1 हो गया, बी -5, सी 4 हो गया, एबीसी आ गए। इसके बाद एबीसी के बाद आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा बीटा c/a। तो बी कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, ए तो 1 है, तो 5/1 तो 5 ही होगा। अब सी बटे ए करोगे तो सी कितना है, 4, और ए कितना है, 1, तो 4/1 4। अब आपका काम ये है कि कहीं अल्फा प्लस बीटा दिखे तो उसकी जगह 5 रख देना, और अल्फा बीटा दिखे उसकी जगह 4 रख देना। अब इसका मान कैसे आएगा वो दिमाग लगाओ। यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, और क्रॉस गुणा करेंगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस में चल रहा है 2α β। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, ये है 5, और अल्फा बीटा का कितना है 4, -2 × α β। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही 4। तो यहाँ 5/4 -2 × 8, इसकी भिन्नल कर दो, तो 4×8 = 32, 32 में से 5 गया माइनस के, 27/β हो, तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है। अब चलो, अब देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। अब आ जाओ कमेंट बहादुर सभी, अब बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके कि आंसर कितना आ रहा है। करो अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पर है उसे एक बार करके दिखाओ सभी बच्चे। मिस्टर अभी ने बताया है 7 बताया है। और बच्चे निकालो एक बार, और निकालो, देखते हैं कौन कौन बताता है, देखते हैं। चलिए 7 आता है कि क्या आता है। हाँ इधर देखना सामने, देखो बेटा यहां सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। जो बच्चे अभी तक भी नहीं सीख पाए थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले ये एबीसी हो गया, यहां 1α + β निकालते हैं और 1α β निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, और अल्फा बीटा c/a। तो -b का मान कितना है, -7,
तो और अपॉन में ए का मान आपका ही रहा 5, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया। सी सी कितना है, 1/a का मान 5। तो अब इसमें अपन देखते हैं इसका मान कैसे आएगा। पहले एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा क्रॉस गुणा कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा, ये रहा 7/5, और अल्फा बीटा का कितना है 1/5, तो 5 से 5 कट के 7/1 का मान आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 देखना सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ये कह रहा है x² + x + 1 = 0। तो इसमें बताना है α² + α β + β² का मान। अब इधर दिमाग लगाना, अब थोड़ा देखना ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले बेटा फिर से वही एबीसी छांट लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a से यहां -1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए से निकालोगे तो 1/1 1 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका मान कैसे निकालें। देखो आप इसको ऐसे क्रम से लिखो, α² + β² + α β। अब हमारे पास अल्फा बीटा का मान तो है, लेकिन α² + β² का नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा ध्यान देना, 10th में आपने पढ़ा होगा कि a² + b² कहीं दिख जाए तो इसे a+b² - 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a+b² - 2ab। सामने देखो बेटा, सभी सामने। तो α² + β² को क्या लिखोगे इसी हिसाब से, α+β² - 2αβ, और ये प्लस अल्फा बीटा चल रहा है। अब इसमें ये मान डाल दो, α+β का कितना है -1 और ऊपर स्क्वायर, और ये 2αβ में से अल्फा बीटा जाएगा तो माइनस का 1αβ बचेगा, और अल्फा बीटा का मान 1 है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 - 1 आपका 0। और मान पूछा है α(1+β)² का। इसका देखते हैं, यहाँ x² के साथ में a = 1, b = 1, c = -2। तो यहाँ α+β बराबर होता है -b/a, तो b कितना है 1/1 यानी -1, और अल्फा बीटा आप जानते हो c/a होता है, तो -2/1 यानी -2। अब अल्फा इनवर्स, इनवर्स आप जानते हो इनवर्स किसको कहते हैं, 1/α, और ये 1/β, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और क्रॉस गुणा करेंगे तो ये α+β आ गया। अब α+β का मान क्या है बेटा, -1, और अल्फा बीटा का कितना है ये रहा -2, तो माइनस से माइनस कटेगी, आपका आंसर 1/(x²+7x - 3)=0, और α² + β² का मान पूछा है। किसका पूछा है, α² + β². देखो बेटा इसमें से एबीसी छांट लो, a6 b7 c - 3, और आप जानते हो α+β होता है -b/a, तो बी 7 है और ए कितना है 6, और अल्फा बीटा आपका होता है बेटा c/a, तो सी कितना है -3 और ए 6, 3 से 6 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। अब आप देखो कि कहीं भी α+β दी के तो वहां -7/6 रखना है, और अल्फा बीटा दी के तो -1/2। α² + β² का मान α+β² - 2αβ होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। α+β का मान अभी देखो कितना आया, -7/6, तो इसका स्क्वायर हो गया 49/36, 2 × α β का -1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट रहा है, और अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 1 हो रहा है। यहां करेंगे लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न क्या होती है, एलसीएम 36, और 36 एकम 36 और 49 हो गया 85, तो 85/36 आएगा, जो कि इसमें सही बटे की भिन्न दे रखी है,
तो सही बटे की भिन्न कैसे बनाते हैं बेटा, भाग देंगे 36 दूनी 72, बचेगी 13, तो 2 सही। इधर दिमाग लगाना बेटा, देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, तो वो निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में 1b - 6c8, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बटे ए, तो माइनस माइनस प्लस के 6/1 यानी 6, अल्फा बीटा हो जाएगा सी बटे ए, 8/1 यानी 8 हो जाएगा ये। चलिए मान निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 × अल्फा प्लस बीटा 6 का स्क्वायर 36, 3 × अल्फा बीटा 8, तो 6 × 36 8 × 24, 36 में से 24 गया 12 और 12 × 6 हो गया 72, सही है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये नोट डाउन कर लो भले ही से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। अब की बार दिमाग लगा लेना, अब की बार मूलों से द्विघात समीकरण, तो ऐसा सवाल आए तो पहले मूलों का योगफल करते हैं और फिर बेटा गुणनफल करते हैं, 6 × 7 = 42। और 10th क्लास में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0, इसमें ये मान लगा दो, योग कितना है बोलो 13 × एक्स, गुणन कितना है 42 बराबर। चलिए देखते हैं, पहले मूलों का योगफल निकालते हैं, तो -3 और -5 का योगफल -8 होगा, मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो -−+3 × 5 = 15। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है -8, तो −−+8 और गुणन प्लस के 15 = 0, ये आपका आंसर आ गया बेटा।